अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं एमएलटी सलीम उस्ताद यानी मोहम्मद सलीम उस्ताद। दोस्तों दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वही एक नारा शौक को बढ़ावा देने का, देता हूँ, देता रहूँगा ता जिंदगी। आप भी यही नारा लगाएं और शौक को बढ़ावा दें। आपका भी यही नारा होना चाहिए शौक को बढ़ावा देने का। मेरी कोशिश यही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें हम लोग जितने भी उस्ताद हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। कोशिश यही थी आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की। और आज जो मैं विषय लाया हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है आप लोगों के लिए। और वो विषय है कबूतर बाजू मारने लगता है। अक्सर हम सभी लोग इस चीज़ से दो चार हो जाते हैं। कबूतर अक्सर हमारा कबूतर बाजू मानता है। वो क्यों मानता है, कैसे मानता है, उसके भी कई वजहों से बाजू मानता है। जाल से लॉफ्ट से निकलते हुए वो टकरा जाते हैं, या फिर उस पर हवा लग जाती है। जब हवा लग जाती है, वो हवा लगती क्यों है और वो आता क्यों है बाजू में, तो उसकी कई वजह हैं दोस्तों। जैसे आपने गर्म खेल लगा रखा है और उसे हवा लग गई, फौरन बाजू मान जाएगा वो। और धुलावा बाजरा खिलाएं, केमिकल लगा हुआ आता है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, केमिकल लगे से बाजरे से कबूतर बीमार भी होता है, दाना भी लगता है। तो मैं आपको बाजू के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये ब्रूफिन 200 mg की गोली है, ब्रूफिन 200 mg, ठीक है दोस्तों। इसके 6 टुकड़े करना, एक टुकड़ा सुबह दाना खिलाने के बाद आप दे दें, ठीक है। और ये सलकाल 500 mg की गोली है, इसके कम से कम 7-8 टुकड़े कर लेना, एक टुकड़ा ये भी देना है। सलकाल में विटामिन D3 आया है और बहुत ही अच्छी है ये गोली, आपने ये देनी है, ठीक है। और अब आपने यह है भैंसा गुग्गल है, अच्छी तरह देख लीजिए। वीडियो के लास्ट में इनकी फ़ोटो आएगी, आप स्क्रीनशॉट खींच के इसको पंसारी को दिखा के ले सकते हैं, भैंसा गुग्गल, ठीक है दोस्तों। और ये भैंसा गुग्गल चने के बराबर, अपना चना होता है ना काला छोला, तो उसके बराबर लेना है आपने। ये ब्रूफिन का एक टुकड़ा, सलकाल का एक टुकड़ा देने के बाद आधे घंटे बाद ये दे रहा है भैंसा गुग्गल। और दोस्तों ये मालकगनी आप अच्छी तरह देख लीजिए, वीडियो के लास्ट में इनकी फ़ोटो आएगी, आप स्क्रीनशॉट को खींच के पंसारी को दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब बताने जा रहा हूँ, ये आमा हल्दी है, आमा हल्दी ये भी चने के बराबर टुकड़ा लेना है आपने। पहले ब्रूफिन और फिर सलकाल का एक टुकड़ा देने के बाद आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद आपने भैंसा गुग्गल का चने के बराबर टुकड़ा देना है, और फिर आपने देना है आमा हल्दी का टुकड़ा, और फिर मालकगनी के 5-6 दाने। तो ये कंटिन्यू आपने 7 days करना है, 7 दिन, तो इंशाल्लाह कबूतर को ज़्यादा उड़ाए ना, उसे ज़्यादा आराम दें, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए बस, उसको छेड़ ना करें, छेड़ ना मारें कि वो उड़े, उसकी बाजू पे जोर पड़े। तो दोस्तों कोशिश यही है आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी। अभी मैं वीडियो कहीं और डालूँगा, और आपकी जितनी हेल्प की जा सकेगी मैं करूँगा ताजिर से। दुनिया रोकती है तो रोकती रहे, हमने जो करना है वो करेंगे। और दोस्तों आपको पता है अच्छाई के रास्ते पे कांटे भी मिलेंगे और फूल भी मिलेंगे, तो कांटे मंजूर है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोगों से मोहब्बत है दोस्तों, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।